गाजियाबाद के मधुबन बापू धाम के खाली मैदान पर झुग्गियां डालकर रह रहे मजदूरों पर किए गए हमले के आरोप में गिरफ्तार किए गए हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष और साहिबाबाद थाने के हिस्ट्री शीटर पिंकी चौधरी पर पुलिस ने अपना शिकंजा और कस दिया है। उसे हमले के एक और आरोपी बादल और फरियोम के साथ कोर्ट के सामने पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। पुलिस ने साहिबाबाद में गोकशी के विरोध के नाम पर सड़क जाम करने के मुकदमे में भी पिंकी चौधरी और उसके 10 साथियों का नाम खोल दिया है। पिंकी चौधरी पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA के तहत कार्रवाई करने के लिए भी फाइल तैयार की जा रही है। इसके खिलाफ अब कुल 18 केस दर्ज हो चुके हैं। मजदूरों पर किए गए हमले के मामले में पुलिस ने वीडियो के आधार पर कुछ और आरोपियों की पहचान कर ली है। इनके तलाश के लिए दबिश दी जा रही है। पुलिस ने केस में 15 से 20 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया था। जेल भेजे गए आरोपियों से पूछताछ में भी पुलिस को कई सुराग मिले हैं। उनके आधार पर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि वीडियो को सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया जाएगा। पिंकी चौधरी और उसके साथियों पर शिकंजा कसते ही सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का पोस्ट वायरल होने लगा है। अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से अखिलेश यादव ने लिखा है, कानून हाथ में लेने का अधिकार तो सरकार को भी नहीं, फिर उनके संगी साथी गुर्गो को कैसे हो सकता है। इस हिंसक मामले में माननीय न्यायालय से स्वतः संज्ञान लेने का आग्रह है। आशंका की शिकायत होनी चाहिए, मनमानी हिंसा नहीं। अपने इसी पोस्ट में अखिलेश यादव ने पिंकी चौधरी के बहाने BJP पर संगीन इल्जाम लगाते हुए लिखा है, कहीं ये भी भारतीय जमीन पार्टी का कोई खेल तो नहीं जो जमीन खाली कराने का ये नायाब तरीका निकाल रही है। ऐसी घटनाओं से उत्तर प्रदेश की छवि खंडित हो रही है। देश की राजधानी के इतने करीब घटे इस कुकृत्य के इस पक्ष की भी जाँच हो कि कहीं ये सब आपस में लड़ते दो पक्षों के बीच की लड़ाई का परिणाम तो नहीं है। कहीं कोई लखनऊ को ये संदेश तो नहीं दे रहा है कि हमें आपके शासन प्रशासन पर कोई भरोसा नहीं और ना ही उसका कोई डर है, इसलिए हम ही आशंका पर आरोप लगाएंगे, हम ही डंडा चलाएंगे। अखिलेश यादव ने अपने एक पोस्ट के साथ कई निशाने साधे हैं। पिंकी चौधरी केस में कोर्ट से संज्ञान लेने की बात कह डाली, साथ ही BJP पर जमीन खाली कराने का आरोप लगा दिया और तो और योगी और केशव मौर्य की लड़ाई पर सियासी अंदाज में चुटकी भी ले ली। हालांकि अखिलेश यादव का ये पोस्ट सामने आने के बाद से ही पुलिस लगातार एक्शन में है और पिंकी चौधरी और उसके साथियों पर शिकंजा कसता जा रहा है।